ये कला कम से कम नहीं तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। मेरे दादाजी गांव से आए थे, फिर पापा ने सीखा काम, पापा के साथ में फिर हमने सीख लिया, अब हम करते हैं। यहाँ पे आज कम से कम नहीं तो 1000 घर हैं। 1000 घरों के अंदर सब में यही काम होता है। ये जगह का नाम कुमार कॉलोनी कुमारों की वजह से पड़ी है और ये कॉलोनी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। परसेंट से ज़्यादा तो राजस्थान से है, 10% लोग हरियाणा के हैं, 5% लोग बिहार के, यूपी के, फिर एक दूसरे का रिश्तेदार एक दूसरे के साथ आता रहा। ऐसे धीरे धीरे करके कॉलोनी बड़ी होती गई। हमारे दादा के दादा भी यही काम करते हैं। मुझे कम से कम नहीं तो इस काम को करते करते 35 से 37 साल हो गए। हमारे लिए तो बहुत फेस्टिवल बहुत मायने रखता है क्योंकि हमें तो इसी से रोटी मिल रही है। 6 महीने से 8 महीने से पहले से तैयारी करने लग जाते हैं इस काम के बारे में। खेत से आती है मिट्टी, हमें फिर इसको सुखा के तोड़ के अच्छे से फिर छानते हैं। छानने के बाद इसको पानी डाल के वाश किया जाता है। व्हील के बाद बनने के बाद फिर इसको धूप में ड्राई करने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद फिर इस पर कलर चढ़ता है। कलर चढ़ाने के बाद फिर इसको भट्टी में डाला जाता है। बस दिमाग लगाते रहते हैं काम करने के लिए, अब नया क्या बनाएं। हर साल नई नई कुछ ना कुछ कला निकालते रहते हैं, तभी ये थोड़ा सा चल रहा है। होलसेलर आता है, उसको होलसेल के हिसाब से उसको पैसा देते हैं। वो क्या है कि क्वांटिटी में माल उठाते हैं तो फिर वो आगे अपनी मनमर्जी के रेट बेचते हैं, हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास यहाँ खुद चलकर आएं और हमारे मिट्टी के सामान को, हम तरह तरह की जो भी आइटम बनाते हैं उनको हमारे यहाँ पे आके हमसे खरीदें तो हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। हमें इससे बढ़िया कोई काम नहीं लगता। ये हमारी कला हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इससे हमने सब कुछ अपने जीवन में किया है। कोई अगर हमारे पास सीखना चाहता है तो हम उसे सिखा भी सकते हैं। अगर कोई सीखेगा तो कला बिल्कुल जिंदा रहेगी।